हेलो एवरीवन, दिस इज मी साफिया हेयर। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो आज के दिन आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं, आज क्योंकि वैलेंटाइंस डे है तो ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल रहेगी रीडिंग, कि आज के दिन के थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के आपको लेकर, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। इसमें रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आज के दिन आपके बारे में। लेट्स फाइंड आउट वैलेंटाइंस डे स्पेशल क्या चल रहा है उसके माइंड में आपको लेकर, क्या चल रहा है उसके माइंड में आपको लेकर, क्या सोच रहा है आपके बारे में। लेट्स सी, टू कार्ड्स हैं हमारे पास, द एम्परर और सिक्स ऑफ वांड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। इट सीम्स लाइक यू नो आपका पर्सन अपने रिलेशनशिप को, अपनी फीलिंग्स को ओन करना चाह रहा है आपको लेकर। उसको लग रहा है कि दिस कनेक्शन इज समथिंग जो कि वो आगे लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत यू नो खूबसूरत है। मुझे लगता है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं ना होंगे। ये पर्सन जो हम देख रहे हैं, ये जो लोग हैं, ये इनकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। हो सकता है कि इनको पता था, पता है कि कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये उस चीज़ को साइड पे करके आपको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके साथ अपना ताल्लुक, रिश्ता जो है वो स्ट्रांग करें। सो आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आज का दिन आपका बहुत ज़बरदस्त गुजरेगा इस इंसान के साथ, क्योंकि ये अपने रिश्ते को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ओन करना चाह रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। एंड इधर वी डू हैव द टेम्परेंस। मुझे लगता है कि इस पूरी सिचुएशन को यू नो मैनिफेस्ट होने में बहुत टाइम लगा है, इस पूरी सिचुएशन को ओन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। आपके पर्सन के पास मुझे लगता है कि ऑप्शन अब भी बहुत है, अगर वो चाहे वो कंसिडर कर सकता है और ऑप्शंस को। मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं, हो सकता है कि ये लोग इनको और लोगों से मिलाना भी चाहते हैं, बट समहाउ इन्होंने अपना माइंड बना लिया है आपके बारे में, इन्होंने अपना डिसीजन बना लिया है आपके बारे में। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पर्सन आपको जो है अप्रोच करे। अगर आपको अप्रोच नहीं करता डायरेक्टली, तो ये टेलीपैथिकली आपको अप्रोच ज़रूर करेगा, ख्वाब में आएगा, थॉट्स में आएगा, इन अ वे जहाँ पर आप नहीं सोच रहे उसके बारे में, लेकिन ये आपके बारे में इतना स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि समहाउ आपको इनके फ्लैशेज आएंगे आज के दिन के लिए। सो मुझे लगता है कि अगर आप इन टच नहीं भी हो, इस पर्सन ने आपको लेके डिसीजन बना लिया, इसको लगता है कि यू आर द वन फॉर देम। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करेगा, क्योंकि यू नो ये कार्ड है अंडर द डेक, और उसके नीचे जो है, मतलब इट्स मोर लाइक कि उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन अपनी फीलिंग शायद वो भी रिवील नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है टेलीपैथिकली शायद ये रिवील करना चाहेंगे आपको अपने यू नो आपके ख्वाब में आकर, या फिर फ्लैशेस आपको इस इंसान के आएंगे, या फिर जैसे कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि आपको इस इंसान को के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। इट्स नॉट दैट कि आप सोच रहे होंगे इन यू नो पर्सनली, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ओन करते हुए आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेडली भी कदम बढ़ा सकते हैं आज के दिन, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए, तो वो भी चांसेस है आज के दिन में। बट मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन ज़्यादा के यू नो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इमोशन जो है वो फिलहाल होल्ड बैक कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। सो लेट्स सी के और क्या फील कर रहा है पर्सन आपके लिए, लेट्स फाइंड आउट। दे वॉन्ट टू डेट यू, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट, डेट ऑनलाइन। आई फील लाइक यू नो पर्सन आपको डेट करना चाह रहा है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपकी इस इंसान से मुलाकात जो है ऑनलाइन हुई हो, ये भी पॉसिबल है कि यू नो इसका और आपका जो रिलेशनशिप है, ये पर्सन उस चीज़ को रिवाइव करना चाहता है, ये फिर से चाहता है कि आप दोनों मिलो और चीज़ों को सॉल्व करो, रिजॉल्व करो। डेट करना चाहता है आपका पर्सन आपको राइट नाउ गिवन सिचुएशन में। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपका पर्सन चाहता है कि जो पास्ट है या जो हो चुका है उसको साइड पे करके एक नया स्टार्ट किया जाए। अगर आप यू नो ऑलरेडी एक नया कनेक्शन में हो इस इंसान के साथ, तो मुझे लगता है कि
जिन लोगों का बिल्कुल नया करेक्शन है ना, इट सीम्स लाइक ये बहुत स्मूथली आगे जाएगा, क्योंकि अगर आपका करेक्शन पुराना है तो इट टुक दिस पर्सन टाइम. लेकिन जिन लोगों के लिए करेक्शन बिल्कुल नया है, मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए इस द सिचुएशन जो है वो सीम्स लाइक इट्स गोना गो नेक्स्ट लेवल क्विकर. आपके पर्सन को जल्द रियलाइजेशन हो जाएगा आपको लेकर, फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, और वो फिर इस रिलेशनशिप को लेकर कोई सॉलिड स्टेप लेना चाहेंगे बहुत जल्द. और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग इस इंसान को, मुझे लगता है कि इट्स ये जो पर्सन है ना आपका, इसके साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है. कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप राइट नाउ, जैसे यू नो, आप लोग अभी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपने लेट गो किया हुआ है इस इंसान को, इस सिचुएशन को, इस इंसान के साथ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ वो कार्मिक भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए. इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक पाथ जो आपको क्लियर आउट करना है बिफोर द टू ऑफ यू कुड कम टुगेदर. हो सकता है कि अगर आप टाइम अपार्ट हो इस इंसान के साथ, तो आपको इसको लेट गो करना पड़ेगा, आपको इस इंसान को छोड़ना पड़ेगा, इस इंसान से रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा. आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को भी अपने आप से इस रिलेशनशिप को लेकर, यू नो, जो उसको ट्रिगर्स होते हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को, परसेप्शन को लेकर, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका रिलेशनशिप अगर पुराना है, स्पेशली इन दैट सिचुएशन, मुझे लगता है कि फ्रॉम द टाइम यू मेट टू द टाइम दैट यू हैव राइट नाउ विद दिस पर्सन, मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदला है. आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए कुछ साल बहुत कम टाइम है, लाइक एक दो साल बहुत कम टाइम है. आपका बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रिलेशनशिप चला है अगर, तो मुझे लगता है कि आपको इस इंसान को लेट गो करना पड़ेगा, इसको आपको लेट गो करना पड़ेगा. फिर वो कार्मिक जो एक टाइज हैं वो ब्रेक होंगी, उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसके बाद यू गोना स्टार्ट डेटिंग ईच अदर अगैन, और सिचुएशन उसके बाद बेहतर होगी. सो वो भी यू नो एक चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि एक एंडिंग आप में से कुछ लोगों के लिए या तो हो चुकी है या होगी, उसके बाद ये रिलेशनशिप आगे जाएगा. वी डू हैव द कॉफिन अंडरनीथ द डेक एंड देन कम्स अ न्यू बिगिनिंग. एक रीबॉर्न होगा रिलेशनशिप, ट्रैजिक एंडिंग होगी, इतना कुछ यू नो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए सब हो चुका है. इट्स गोना बी अ टाइम जहाँ पे आपका रिलेशनशिप रिवाइव हो. सो डेफिनेटली पर्सन ने अब अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको चूज़ किया है या चूज़ करेंगे. सो वो चीज़ मुझे आगे दिखती जा यू नो दिखती नज़र आ रही है. लेट्स सी के गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, और इसके बाद फिर पर्सन के मैसेजेस ऐड करेंगे. फ्रीड पॉसिबिलिटी मेक अ विश, ड्रिंक टी क्वाइटली. मुझे लगता है कि आपको इस इंसान को और इस रिलेशनशिप को लेकर जो आपकी जो विश है या पॉसिबिलिटी जो है, उस रिलेशनशिप की जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, उसको आपको अपने माइंड में रखना चाहिए. यू हैव टू मेक अ विश अराउंड इट. विश करो, इंटेंड करो, एंड देन लेट गो करो, सरेंडर करो. कोशिश ना करो कि आप इसको राइट नाउ फिक्स कर दो. जितना ज़्यादा रिलैक्स होकर चलोगे इस रिलेशनशिप में, मेक अ विश फर्स्ट देन रिलैक्स. जितना ज़्यादा ऐसे चलोगे इस रिलेशनशिप को लेकर, तो आपकी सिचुएशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जो कि टॉक्सिक है या जो नेगेटिव है, कार्मिक है, वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर यू कुड हैव अ न्यू बिगिनिंग. लेकिन हैविंग सेड दैट, इवन दो यू नो इसमें सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम इस कार्ड को देखें तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को स्पेशली आपको अगर ये पर्सन यू नो आपको पसंद भी करते हैं, तो चांसेस हैं कि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आगे ना बढ़ सके. इन दैट सिचुएशन आपका ये रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, जहाँ पर यू हैव टू पुट एन एंड टू द रिलेशनशिप एंड यू हैव टू मूव ऑन. बट ये पर्सन की तरफ से भी हो सकता है कि उसके एंड से उसको ये रियलाइज हो जाए कि कार्मिक रिलेशनशिप, दे हैव टू लेट यू गो एंड दे हैव टू स्टार्ट डेटिंग समवन एल्स. तो उसकी पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो इट कैन बी अ यू नो समथिंग लाइक दैट कैन हैपन इस इंसान के एंड से इस रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर में. सो चांसेस हैं ऐसे भी, बट क्योंकि हमने आपके लिए एनर्जीज निकाली वो सारी पॉजिटिव हैं. विद दिस कार्ड हियर आई फील लाइक के मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन जो है इसको करंटली भी आपको लेकर, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ देख रहे हो जो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, मुझे लगता है कि दे डू हैव यू नो रिलेशनशिप राइट नाउ. और अगर उनका रिलेशनशिप है, तो उनको शायद लगता है कि या तो वो रिलेशनशिप कार्मिक था जिसमें वो हैं,
और उसके बाद वो वापस आपके पास आएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि उनको लगता है कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ कामिक था, वो अब अपनी ज़िंदगी में आगे मूव कर रहे हैं। बट वट एवर द केस इज, मेक अ विश, पॉसिबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट करती है आपके और इस इंसान के दरम्यान में। आपको अगर आज के दिन में कोई डिवाइन मैसेज इस इंसान की तरफ से रिसीव होता है, तो दिस इज द पर्सन दैट यू आर गन बी विद। ठीक हो गया, चाहे वो डायरेक्ट मैसेज होता है या डिवाइन मैसेज, डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आपको कोई साइन या मैसेज मिलता है इस इंसान से रिलेटेड, दिस इज द वन फॉर यू। कोशिश करो कि आप ज़्यादा सोचो नहीं, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एनी मेंटल एंगजाइटी जो कि आपको इस रिलेशनशिप को लेकर हो रही है आज के दिन में। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प योर लॉट। लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं इस इंसान के आपके लिए। क्या है मैसेज इस इंसान का आपके लिए? लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। लेट्स सी, आई वॉन्ट यू, आई डोंट गो टू पार्टीज। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको चाहता है, वो चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में हो, और वो और लोगों से ना तो मिलते जुलते हैं, ना ही वो पार्टीज वार्टीज में जाते हैं। वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये वो लोग जिनके पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपको उसकी तरफ से कोई डिवाइन मैसेज ज़रूर मिलेगा आज के दिन में। लेट्स सी मोर मैसेजेस, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। So let's see. I love daydreaming about you. आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो पसंद करता है आपके बारे में डे ड्रीम करना। someone is a cheater, be careful. आपका पर्सन आपको बताना चाहता है कि कोई और इंसान, या तो जिसके साथ आप डील कर रहे हो या कोई आपका फ्रेंड है, वो चीटर है, ये भी बताना चाहता है। अगर वो किसी और पर्सन के साथ है जिसके साथ वो या तो कामिक रिलेशनशिप में है, वो पर्सन इज़ अ चीटर, तो वो भी आपसे कहना चाहता है, जिसकी वजह से शायद उसको आपकी वर्थ का जो अंदाज़ा है वो ज़्यादा हो रहा है। आर कनेक्शन इज़ वन ऑफ अ काइंड, आई नो। अब आपका पर्सन कहना चाहता है कि ये कनेक्शन डेफिनेटली इज़ वन ऑफ अ काइंड, और उसको ये रियलाइजेशन हो रहा है। कांट वेट फॉर अस टू बी बैक टुगेदर। आपका पर्सन चाहता है कि आप दोनों साथ आओ। लाइक आई सेड अर्लियर, पहले भी मुझे यही मैंने कहा कि इसको लगता है कि अब इसने अपना माइंड मेकअप कर लिया है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आई वॉन्ट टू बी मोर देन जस्ट फ्रेंड्स। पर्सन चाहता है कि आप दोनों एक नया रिश्ता बनाओ जहाँ पर पास के बारे में बात ना हो, लेकिन आगे स्मूथली हेल्दी रिलेशनशिप चल सके। आई स्टिल लव यू अनकंडीशनली। आपका पर्सन क्लेम करता है कि वो आपको अनकंडीशनली प्यार करता है। आई एम सीकिंग एडवाइस। कंफ्यूज्ड है आपका पर्सन, वो किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है इस कामिक रिलेशनशिप को लेकर भी उसे ब्रेक फ्री करना चाहते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, और आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो विश करते हैं कि वो अपने वर्ड्स वापस ले सकते, आपको जो उनने कहा उस चीज़ को उन वर्ड्स को वापस ले सकते जो उन्होंने आपसे कहे। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए जो नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।